नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एमएस धोनी का टाइम खत्म हो गया है, धोनी युग चला गया है और धोनी को अब बोरिया बिस्तर समेट कर चला जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही कहना और मानना है पूर्व खिलाड़ी रोजर बिन्नी का। रोजर बिन्नी ने धोनी को लेकर ये बात कही है। गौरतलब है कि धोनी की उम्र हो चली है और फॉर्म भी खराब रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल के बाद से धोनी ने एक भी मैच भारत के लिए नहीं खेला है। कब वापसी करेंगे किसी को भी नहीं पता, पर कई दिग्गज खिलाड़ी धोनी को संन्यास दिलवाए बगैर चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। आए दिन कोई ना कोई खिलाड़ी धोनी के संन्यास और भविष्य पर फैसला सुनाते रहते हैं। इसके इतर धोनी हमेशा की तरह चुप्पी साध कर अपने मन की करते रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत हो या टीम के हित में धोनी ने हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठकर भारत की सेवा की है। स्पोर्ट्स कीड़ा से बात करते हुए रोजर बिन्नी ने कहा कि पिछले कुछ सीजन में धोनी को देखकर लगता है कि उनका दौर खत्म हो चुका है। अपनी समझ और ताकत से धोनी हारे हुए मैच को भी जिता देते थे, वो समय भी बीत चुका है। बिन्नी ने कहा कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की उनकी खूबी भी अब पहले जैसी नहीं रही। धोनी को दुनिया के सबसे फिट विकेट कीपर्स में माना जाता है। उनकी फिटनेस पर रोजर बिन्नी ने कहा कि धोनी की फिटनेस अब पहले जैसी नहीं रही। देखा जाए तो उनका बेहतरीन समय गुजर चुका है और इसका सही फैसला करने वाले वो खुद ही होंगे। जब धोनी के पास टीम इंडिया की कमान थी तो उस समय रोजर बिन्नी टीम के चयनकर्ता हुआ करते थे। आपको बता दें, कैप्टन कूल के साथ काम करने को लेकर रोजर बिन्नी ने कहा कि उनके साथ काम करना आसान था, क्योंकि वो पद पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति का सम्मान करते थे। बिन्नी ने कहा कि धोनी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, वो पूर्व क्रिकेटरों का सम्मान करते थे, उनके पास खिलाड़ियों के लिए बहुत समय था। वो आपके पास आकर बात करते और साफ साफ बताते कि उन्हें आपसे क्या उम्मीद है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।